जी कल शाम से जो है पानी बढ़ना चिनाब में शुरू हुआ और सबसे पहले रिपोर्ट आई कि भोंजवा इलाके में एक क्लाउड बर्स्ट हुआ है, उसकी वजह से जो ये पीछे फाल्गुनी नाला है इसमें जो है काफी ज्यादा पानी बढ़ा। तो सब्सिक्वेंटली वो जब तक सबसाइड हो रहा था तो पीछे जो है किश्तवाड़ साइड से भी फिर से कहीं सुनने में आया कि पाडर वगैरह एरिया में और दक्षिण एरिया में क्लाउड बर्स्ट हुए, उसकी वजह से जो है दरिया का काफी ज्यादा पानी बढ़ा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, रात भर आर्म टूल्स थी, सिविलियंस भी हमारे साथ थे। तो जो दीवार जो दरिया के साथ लो लाइन एरियाज है, जो रेसिडेंशियल हाउसेज है, उनको इवैक्यूएट किया गया। उन लोगों को जो है रात को ही सेफर प्लेसेस पे जो है ऊपर शिफ्ट किया गया, उनको जो है सेफर प्लेसेस पे ऊपर शिफ्ट किया गया और पूरी रात मॉनिटरिंग की गई। रात को 3 बजे के बाद जो है 3:30 बजे के बाद पानी जो है थोड़ा सबसाइड हुआ और सुबह में भी जो है 4-5 फुट पानी जो है फिर से नीचे सबसाइड हुआ है। अभी तक जो है हमारी सब डिवीजन से जो है कोई मेजर लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी रिपोर्टेड नहीं है, छोटी मोटी डैमेजेस हुई है और थोड़े लिंक रोड्स भी ऑलमोस्ट थ्रू है, लेकिन सिचुएशन अभी भी क्रिटिकल है क्योंकि पानी दरिया का पानी जो है काफी ज्यादा ऊंचाई पे है और उसको मॉनिटर किया जा रहा है। अभी हमारी लोगों से यही अपील है कि वो दरिया से दूर रहे, दरिया के पास आने की कोशिश न की करे। कुछ लोग देखे गए हैं वो लकड़ी वगैरह पकड़ने की भी कोशिश कर रहे, जो बिल्कुल बेवकूफी है, अपनी जान के साथ खेलना है। लोग एहतियात बरते, दरिया से दूर रहे और किसी भी इवेंचुअलिटी में किसी भी खतरे या खर्चे में जो है सब डिविजन एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया जाए। हम सब लोग अवेलेबल है।